हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिटरमिनेंट पार्ट 4। जैसा कि हमने डिटरमिनेंट 2 एंड 3 में डिस्कस किया था कि प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करते हैं, ऐसे ही आज फिर हम उसी तरह के कुछ एग्जांपल्स और डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि है x प्लस 4 2x x प्लस 4 2x x प्लस 4। ठीक है, और हमने प्रूव करना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस x की 2। ये हमने क्या करना है, प्रूव। यहां से हमें क्या दिखाई दे रहा है, 5x प्लस 4 कब आएगा, जब इन तीनों को जोड़ दें या इन तीनों का प्लस कर दें, या तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 या R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 हम प्लस कर दे। हम चल रहे हैं R1 में R1 प्लस R2 प्लस, वो हमारी मर्जी, हम कैसे प्लस करें। 2 टू 4 और 1 5x प्लस 4, 2 टू 4 5x प्लस 4, 5x। बाकी के में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया, ऐसे कैसे लिखेंगे, 2x x प्लस 4, 2x x प्लस 4। ओके, हम क्या कर रहे हैं, R1 में से 5x प्लस 4 कॉमन ले लें, लिखने की जरूरत नहीं है मेरी, आप लिखे जितना अच्छा है, सोल्व करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लिखना टेक कॉमन फ्रॉम R1 5x प्लस 4, क्या रह जाएगा, 1 1 1, बाकी के पैसे क्या रह जाएंगे ना, 2x x प्लस 4, 2x x प्लस 4। ओके, अब मैंने आपको बता रखा है या R1 में या C1 में या किसी भी रो या कॉलम में 1 बना जाए तो 2 1 को 0 बना लो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, C2 माइनस C1, ठीक है, और C3 माइनस C1, C2 में चेंज किया C2 माइनस C1, C3 में चेंज किया C3 माइनस C1, कैसे आया, C1 तो एडिटिव है, एडिटिव को, ठीक है। अब क्या है, 1 माइनस 1 0, हमने क्या लगाया, C2 माइनस C1, तो क्या आ गया, x में से माइनस टू एक्स का माइनस एक्स, 4 माइनस x, और यहाँ तो 0 आ गया, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ फिर वही बात, 4 माइनस x। अब आप एक्सपेंड कर दो C1 R1 से, एक्सपेंड बाय R1, R1 से एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 से ही मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे ना, और एलिमेंट्स तो 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, 1 को बाहर लिया, अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई करी, वो बाहर कीजिए साथ में लिखो 5x प्लस 4, उसको मत भूला करो। ओके, 5x प्लस 4, 1 को यहाँ लिया और अंदर मल्टीप्लाई करी, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज के हो गए तो 0 हो गया, क्या बन गया, 4 माइनस x का स्क्वायर, और यही हमने प्रूव करना था, 5x प्लस 4, 4 माइनस x का स्क्वायर। ओके, कुछ नहीं किया हमने, तीनों को पहले तो प्लस कर दिया, वहां से 5x प्लस 4 आ गया, उसको कॉमन ले लिया, फिर एक रो में 1 1 बना गए, वहां से 2 को माइनस करके 0 बना लिया, फिर उसको एक्सपेंड कर दिया, बिल्कुल इजी। अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 3 की प्रैक्टिस की होगी तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सम है 1 x square x, x 1 x square x square x 1। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1 माइनस x की 3 की 2। 1 माइनस x की 3 क्या होता है, आप इसको 1 की क्यूब माइनस x की क्यूब लिख सकते हैं,
क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस कर लेते हैं, आर वन में प्लस करेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, क्या बन जाएगा, वन प्लस एच प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स प्लस, आगे पीछे भी लिख सकते हैं प्लस में, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ वन, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स, यहाँ वन, क्योंकि आर टू और आर थ्री में तो कोई चेंजिंग नहीं किया ना, चेंजिंग तो ओनली आर वन में हुआ है। ओके, अब वन प्लस एक्स स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, कॉमन वन प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम आर वन, अंदर क्या रह गया, वन 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 एक्स स्क्वायर वन एक्स 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 स्क्वायर वन एक्स एक्स स्क्वायर वन, अब वन 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 आ गए तो क्या बनाना है, दो को जीरो, वन प्लस एक्स स्क्वायर, देखो आप यहाँ पे क्या चेंजिंग कर रहे हो, आप सी टू में चेंजिंग किया सी टू माइनस सी वन, और सी थ्री में चेंजिंग किया सी थ्री माइनस सी वन। ओके, तो सी वन तो हमारा एज इट इज है, वन एक्स स्क्वायर एक्स जीरो जीरो, क्या सी टू माइनस सी वन, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहां से इसे भी सी वन माइनस कर रहे हैं एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहां से वन माइनस एक्स, ठीक है। अब आप यहां देखें एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स, ठीक है, कोई चेंजिंग हो सकती है, नहीं हो रही, यहां से हम एक्स को कॉमन लेंगे वन माइनस एक्स रह जाएगा, यहां से हम चलो करो इसको चेंजिंग कर दो, पहले ये फॉर्मूले खोल दो, वन प्लस इधर ही कर लो, वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या है हमारा, वन जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, एक्स स्क्वायर एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स, यहां से हम वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ हम एक्स को कॉमन लेंगे वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, यहाँ हम एक्स को कॉमन लेके क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वन, माइनस एक्स कॉमन ले लो फिर वन माइनस एक्स रह जाएगा, यहाँ पे वन माइनस एक्स है। देखो सी टू एंड सी थ्री से हम वन माइनस एक्स को कॉमन लेंगे, एक सी टू बाई सी थ्री का स्क्वायर बन गया, तो हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का स्क्वायर, एक सी टू का एक सी थ्री का, अंदर क्या रह गया, वन जीरो जीरो एक्स स्क्वायर एक्स, यहां से वन माइनस एक्स बार निकल गया वन प्लस एक्स, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ एक्स और यहाँ पे वन। ओके, यही है, अब एक्सपेंड करें, एक्सपेंड बाय आर वन, एक्सपेंड बाय आर वन क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स की टू वन, ये रो कॉलम छोड़ना पड़ेगा, वन प्लस एक्स माइनस साइन फॉर्मूले का माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये टू पावर हो गई, तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स स्क्वायर की टू और वन माइनस एक्स की टू, तो इसको मैं होल की टू लिख सकती हूँ, और होल की टू लिखेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा इसका, क्योंकि ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ओके, एक बार फिर चेक कीजिए, सबसे पहले तीनों को जोड़ा, या आप उसको आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री करें, या सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री करें, फिर वहां पे वन वन बन गया, उसको बाहर निकालेंगे तो टू जीरो बनाई, टू जीरो बनाने के बाद क्या है, कुछ ना कुछ फिर भी कॉमन आना था सी टू सी थ्री से, वो भी हमने कॉमन ले लिया, वो कॉमन लेने के बाद किया हमने एक्सपेंड बाय आर वन, वहां से ये चीज आ गई, ये चीज आने के बाद फॉर्मूला बन गया। ओके स्टूडेंट्स,
वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही मेरे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। ओके, आगे भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।